जब आएंगी आपको बुलाया जाएगा। अब आप जाओ। चल परेड बुआ लग दी मेरी हो, मार खाऊंगा मैं मार खा। और इनकी बेटा बुआ के पास कैसे आना हुआ? मैंने सुना कि आप साइकिलें मारते हो, मुझे भी साइकिलें चाहिए। कितनी साइकिल चाहिए? एक, बस एक। अरे अभी तक आप गए नहीं। हमें साइकिल नहीं दी और हमें साइकिल चाहिए। वो लोग अभी तक तो गए नहीं। बुलाओ उनको वापस। आप अभी तक गए क्यों नहीं? हमें साइकिल चाहिए। आप तो बोला तो आज साइकिल खत्म हो चुकी है। पर आपने उन्हें दो दो साइकिलें दी, हमें दे ही नहीं रहे। और दुखपुर एरिया से कितने वोट आए हैं? जगतपुर एरिया से सिर्फ 10% वोट आए हैं। आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था? आपके एरिया में से सिर्फ 10% वोट आए हैं। आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था बताओ? अभी तो साइकिल खत्म हो चुकी है, जब आएंगे आपको बुलाया जाएगा। जाओ अभी। नहीं, हमने वोट नहीं दिया था। क्या आपने वोट किया था? हमने वोट ही नहीं दिया। क्या? अगर आपने वोट ही नहीं दिया तो आप उनके पास साइकिल लेने क्यों गए? देखा, मतदान ना करने का नतीजा। मैंने आपको कहा भी था मतदान करने चलो, लेकिन आप सभी नहीं गए। अब आप अगले चुनाव तक का इंतजार करो और एक अच्छा प्रतिनिधि जीत पाकर देश का विकास करो। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया और हम वादा करते हैं कि हम अगले इलेक्शन में अच्छे नेता को वोट देंगे। मेरा वोट मेरी सरकार। एक दो और तीन चार मतदान का दृढ़ विचार। एक दो और तीन चार मतदान का दृढ़ विचार। एक दो और तीन चार मतदान का दृढ़ विचार। उम्र 18 पूरी है, वोट देना जरूरी है। उम्र 18 पूरी है, वोट देना जरूरी है। उम्र 18 पूरी है, वोट देना जरूरी है। देना अधिकार है, अपनी ही सरकार है, मत देना अधिकार है। अपनी ही सरकार है, मत देना अधिकार है। शत मतदान कराए, आओ मिलकर अलग जगाए। शत परिषद मतदान कराए, आओ मिलकर अलग जगाए। शत परिषद मतदान कराए। जन जन का ये नारा, जन जन का ये नारा है, मतदान अधिकार तुम्हारा है। स्वस्थ जनता की पहचान, सबको शिक्षित और मतदान। स्वस्थ जनता की पहचान, सबको शिक्षित और मतदान। स्वस्थ जनता की पहचान, सबको शिक्षित और मतदान। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, बिना डर के मतदान करेंगे। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, बिना डर के मतदान। बहकावे में कभी ना आना, सोच समझकर बटन दबाना। वोट डाले जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट जाना है, अपना फर्ज निभाना है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्वीप के अंडर ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जा रही हैं। तो इनका ऐसी एक्टिविटीज़ करने का जो मेन मकसद ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए, उनमें ये बात फैलाई जाए कि हमारा जो वोट देने का अधिकार है, हम अपने मताधिकार का प्रयोग हम सबको करना चाहिए। ऐसी जो एक अवेयरनेस लेकर के हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आप मतदान जो है वो ज़रूर कीजिए। डीडी न्यूज़ से श्री प्रदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, ज़ोरदार तालियों के साथ। तो एज पर द गाइडलाइंस नाटक करना है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा हमें ये संदेश देना है, जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हम सब ने वोट जो है वो ज़रूर करना है। तो उसी संदर्भ में आज हमारे स्कूल में ये नुक्कड़ नाटक अभी अभी पेश किया गया और अभी अभी बच्चों ने
इस एक गीत और एक नृत्य के माध्यम से ये संदेश दिया कि हमें जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपने आसपास का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में आपके कुछ जानने वाले लोग जो हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने का आपको फर्ज निभाना है, जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आपने सबको ये प्रेरित करना है कि आपको जरूर जाना है वोट डालने के लिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अब हम सब मिलकर के ये एक शपथ उठाएंगे कि हम सब जो है इस वोटिंग प्रोसेस में भागीदार बनेंगे। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर वर्ग धर्म जाति तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। मैम नाम क्या आपको बताएं? हाँ, सत्यदीप, गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनपुर से। आज हमने जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक कार्यक्रम है, उनकी डायरेक्शंस हैं, उनकी गाइडलाइंस के अंडर हमने ये कार्यक्रम अपने स्कूल में करवाया है, अपने बच्चों को अवेयर किया है स्वीप के अंडर कि किस तरह से हमने इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना है। बच्चों को हमने ये बताया है कि उनको एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना है कि उन्होंने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में सबको ये बताना है कि 1 अक्टूबर को वोट डालने जरूर जाना है, क्योंकि बच्चे ही जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है, वो एम्बेसडर की तरह काम करें। उनको ये हमने बताया कि आपने किस तरह से, क्योंकि ये बच्चे अभी हमारा, क्योंकि 10वीं तक का स्कूल है तो ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, इनकी वो एज नहीं है, लेकिन ये अपने मैसेज के माध्यम से बाकी लोगों को अपने घर में या अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में सबको अवेयर कर सकते हैं कि कोई भी 1 अक्टूबर को घर में ना बैठे और वो सब वोट डालने जाएं। तो इसके साथ साथ हम सभी यहाँ इस विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, हम भी अपना जहाँ तक हो सकेगा अपना ये फर्ज जरूर निभाएंगे कि हम अपने आसपास में सब लोगों को अवेयर करेंगे 1 अक्टूबर को। खास तौर पे हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे आसपास में लोग हैं क्या वो वोट डालने जा रहे हैं या नहीं। हम खुद तो इस अधिकार का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हम बाकी वालों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।